उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रुपड़िया में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 के विवेकानंद नगर में लाभार्थियों द्वारा सभासद जहीर अहमद द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप जांचित किया गया। आपको बता दो, शिकायतकर्ताओं ने लिखित में तहसीलदार के समक्ष अपने बयान दर्ज किए, जिससे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। हमारे संवाददाता मोहम्मद कौशल के साथ देखिए ये रिपोर्ट। अब हम लोग भैया कहा कि आप लोग बन दे हो, हम लोग बनी भैया, हम लोग का एक तो उधर बकवास साहब से बात करो ना, इधर घुमाओ थोड़ा, रुक जाओ आप लोग, हम लोग पूछ दे रहे हैं। हाँ बस क्या इससे पहले आपसे कोई मिला था पैसे के लिए? नहीं कोई नहीं मिला था, फोन आवा था जब हम कहते हैं भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, आपका जो है तो हम लोग से कहा पैसा ही हम लोग एक रुपया नहीं दे सकते, तो भाई ठीक है अभी एक रुपया दिया नहीं आपने। मैं 10,000 दे ही लेता है। बताओ तुम बताओ ना, 10,000 10,000 पक्का लें तो हम लोग लेंगे, फिर जब पैसा है तो फिर 10,000 देना पड़ेगा। सच्चाई आपने सामने है पूरा था। अच्छा साहब ठीक है, हाँ बताओ वही होता 10,000 रुपये भैया तो मीठा मंगा ली तो मिल नहीं पाया, एक रुपया आप ना दिए और वो पैसा तुम्हारा रिटर्न हो गई, वो पैसा रिटर्न नहीं है दिन का पैसा। अरे वही भैया लेगा तो खा ले दे उसको, नहीं नहीं कहा तुम अपन काम करो, चुप से बयान दो खाली बस, ऐसा कोई कमाई ला रहा हूँ खाली। 300-350 रुपया मंजूरी है, कई दिन कमाई होता 10,000 कमाई होगी, 4,500 तो मांगत रहे भैया, तब सोचो लेबर काम करियो, 300 रुपया 350 पर तय करके लाए हैं, ये दे हम पैसा भी दे दे, हम लोग हाथ धो धो तब कट जा हाथ, हम लोग अरे कोई मेरे को बन जाए तो हम लोग के पास, हम लोग यही चाहे थे, कम से कम 20-25 साल से ऐसे रहा था, वो बर्फ हम चेंज किया था तो वही बराबर पानी भरा रहा था। इधर आप ही का आया और लोगों का भी आया किसी का? नहीं भाई इधर ही आप क्या हुआ, बाकी मोहल्लम बाकी मोहल्लम ज्यादा है वो क्या हेलो नंबर 15 मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना का 50,000 रुपये आया था, जिसमें से वार्ड मेंबर जहीर ने 10,000 रुपये ले लिया तथा अगली किस्त आने पर भी 10,000 रुपये मांगे।